नापतोल की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विनायक। मुझे शॉपिंग दोस्त या टीचर कुछ भी कह लीजिए, नापतोल से प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे इस्तेमाल करने में अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो टेंशन ना लें, मैं आपको बताऊंगा कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आज हम बात करेंगे हॉट प्लेट के बारे में। अगर आपके हॉट प्लेट की पूरी बॉडी गर्म हो रही है और इसमें से अगर धुआं आ रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऊपर में कॉयल आप देखें तो उसके ऊपर इंसुलेशन की एक परत है जो धीरे धीरे जलती है जब आप पहली बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इसे लगातार इस्तेमाल करेंगे तो धुआं आना बंद हो जाएगा। हॉट प्लेट पूरा मेटल का बना होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। लेकिन इस्तेमाल करने के बाद आप इसे स्विच ऑफ करें, और स्विच ऑफ करने के बाद आप कूल बेकलाइट हैंडल की मदद से उठाएं और इसे साइड में रख दें। अगर हॉट प्लेट में खाना बनाने में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है तो ध्यान दें कि आप केवल समतल, सपाट, फ्लैट बॉटम या इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन का ही इस्तेमाल करें। खाना बनाते वक्त टेम्परेचर सेट करने के लिए कंट्रोल नॉब का प्रयोग करें। अगर हॉट प्लेट के इस्तेमाल से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो ध्यान दें कि खाना बनाने के तुरंत बाद आप इसे स्विच ऑफ कर दें। कुछ समय तक ऑब्जर्व करें। ये एक 1500 वॉट का यंत्र है तो इसे एक घंटा इस्तेमाल करने पर 1.5 यूनिट बिजली ही खर्च होती है। अगर आपके हॉट प्लेट की इंडिकेटर लाइट काम नहीं कर रही है तो एक बार प्लग और कनेक्शन को चेक कर लें, और अगर उसके बाद भी ये इंडिकेटर लाइट काम नहीं कर रही है तो हो सकता है कि इंटरनल वायरिंग या लो वोल्टेज की प्रॉब्लम हो। अगर आपका हॉट प्लेट ज्यादा गर्म होने पर भी बंद नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम हो। बिजली के झटकों से बचने के लिए हॉट प्लेट को साफ और सूखी जगह पर ही इस्तेमाल करें, और ध्यान दें कि आपके हाथ गीले ना हो। अगर इसके बाद भी आपको बिजली के झटके लग रहे हैं तो ध्यान दें कि आप पावर पॉइंट को चेंज करें और अर्थिंग वाले पावर पॉइंट में ही कनेक्ट करें। अगर आपका हॉट प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है या जरूरत से कम गर्म होता है तो टेम्परेचर कंट्रोल नॉब को जरूर चेक करें, उस पर जितनी जरूरत हो उतना ही टेम्परेचर सेट करें। अगर मिनिमम लेवल पर भी आपका हॉट प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो हो सकता है कि आपके घर में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम हो, उसे जांच करें। अगर लो वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम हो। इसके लिए आपको हमारे कस्टमर केयर में कॉल करना है, और अगर आपका प्रोडक्ट वारंटी में है तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे। नापतोल की पाठशाला में हॉट प्लेट की क्लास में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और शॉपिंग करते रहें नापतोल से।